सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं जो कि अभी एक रिसेंटली बैड न्यूज़ आई है, जो कि है BGMI बैन होने वाला है। सो टोटली उसके ऊपर बात करेंगे, वापस आएगा भी या नहीं आएगा, सो टोटली इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल मिलती रहेगी जैसे ही कोई अपडेट आएगा BGMI से रिलेटेड। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेजिट लगे। सो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो सबसे पहले ये वाला एक जो फोटो है या पैराग्राफ स्क्रीनशॉट जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, सो मैं आपको बताऊं ये एकदम रियल है। एंड BGMI इंडिया के CEO हैं, सो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। सो यहाँ पे जैसे हम लोग इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं, अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाऊं सो इसमें कुछ नहीं है। स्टेटमेंट में सिंपली ये लिखा हुआ है कि हम लोग इंडियन गवर्नमेंट में हमने बहुत ही अच्छा मतलब कि फील किया है, एंड उसके बाद आपका लव मिला, सपोर्ट मिला, लेकिन हम लोग अभी जो हम आपका डाटा है वो हमारे लिए प्रीसियस है एंड हम उसको सीरियसली ले रहे हैं। एंड उसके बाद वही सेम थिंग कि हम लोग अथॉरिटी से बात कर रहे हैं एंड अथॉरिटी से बात करके हम जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो सेम थिंग थी ये की है एंड देखते हैं कब तक वापस आता है या नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम 2 वीक्स का अभी मीटिंग्स चलेंगी। एंड मीटिंग के बाद अभी गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें सबमिट करने को बोला है BGMI को, अगर वो सबमिट कर देते हैं एंड वो लोग प्रूफ कर देते हैं कि हम लोगों ने ऐसा कोई डाटा शेयर नहीं किया, सो यहाँ पे हमारा BGMI वापस आ जाएगा, वरना इस बार परमानेंटली बैन होगा। बेशक ये नाम चेंज करके आए, कुछ भी आए, लेकिन इस बार ये वापस नहीं आएंगे। सो चले करते हैं वीडियो को एंड ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बता रहा हूँ, आपको अपडेट देता रहूँगा इस टॉपिक के ऊपर। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।